आज आत्मा विकारों के कारण अंधी हो गई है ना हर आत्मा। तो बाबा इसलिए कह रहे कि बच्चे उनको लाठी बनो। तो चलो बाबा किस तरह प्रेरणा देते हैं हम सुनेंगे। 11-10 बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं है, लेकिन पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। पद का आधार पढ़ाई पर है। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? पहला लक्षण, आज का पहला लक्षण। बहुत सारे लक्षण है ज्ञानी तो आत्मा के। नहीं, ज्ञानी तो आत्मा ये प्याला, वो तो फाइनल है ना कि बाप समान बना। पढ़ना पढ़ाना, हाँ। और एक अच्छा लक्षण बाबा ने दिया है ज्ञानी तो आत्मा का, बस एक ही शुभ लक्षण भाव, है, शुभ सबके प्रति शुभ भावना रखना। शुभ भावना। बाबा ने यही कहा, वे सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे, किसी से दोस्ती किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही। बार बार प्रैक्टिस करो। अब मुझे घर जाना है। बाप सिंपल प्रैक्टिस है, मीठा बनने के लिए ये प्रैक्टिस। मैं आत्मा अलग शरीर अलग। अच्छा, गीत है, तू प्यार का सागर है, ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो ये महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु संन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप, निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का मात पिता पति आदि सब है, फिर भी क्या कंप्लेन है? कह रहे बाबा, तुमको पता है कि वह मेरा बेहद का बाप पिता सब कुछ है, फिर भी वह नशा स्थायी रहता नहीं है। पिता बैठा है, माँ बैठी है, नहीं जैसे कोई हर चीज का होता है ना, क्या क्या फर्क पड़ता है, वो बैठे है ना, तो वो नशा, इसको कहते नशा। बार बार संकल्प चले, जिसको सभी आधा कल्प याद करे, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। ये ऊंचते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे, तो का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलना है, अर्थात आत्मा उनको याद करती है। हे परमात्मा तो आत्म जिस्मानी भगत जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पितावृता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। बाबा कहते हैं आत्मा पितावृता है, पतिव्रता होती है ना, तो पितावृता है। हर आत्मा पितावृता है,
एक अच्छा लॉजिक बाबा ने दिया। पतिव्रता वैसे खाली पति है उसका नहीं है, सबको पति है लेकिन सबको पतिव्रता नहीं कहते, पता है ना? यो को पता है ना पतिव्रता किसको कहते हैं? कई आजकल है ही नहीं है जो कंप्लीटली एक कोई सब कुछ मानती है उसी को। तो इसी तरह बाबा कहते हैं आत्मा पितावह्रता है, हर आत्मा पितावह्रता है। बाबा कह रहे हैं आत्मा पितावह्रता है, परमात्मा को पिता के रूप में हाँ, याद करते हैं ना, गॉड क्योंकि फादर। क्योंकि दुख में जो अपने आप को जरूर याद करती है, दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा, सबके मुख से निकलता है, ओ गॉड, कोई भी अज्ञानी के मुख से ये निकलता है। मतलब गॉड फादर ही जनरली प्रचलित है ना। अभी तुम महत्व को जानते हो, यजुर समझते कि वो परमात्मा निराकार है परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो, वो तो अब हमारे सम्मुख आए हैं, वह है स्वर का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। ये एक ही पढ़ाई है, वह जिस्मानी पढ़ाई है तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है, वहां वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ा रही है। यहाँ तो यह है ही, सरकार पढ़ाती है ना कुछ सेक्शन को, अभी भी है ऐसा, फुल फ्री है 8th तक। अच्छा, पहले तो हमारे समय होता था गर्ल्स की एजुकेशन फ्री, अभी तो सब ओनली गवर्नमेंट। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो यहाँ भी, ये भी तो पांडव गवर्नमेंट ही तो है ना, सरकार है ना, तो यहाँ भी, यहाँ मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं है बाप को। इसलिए बाप को क्या नाम है? अच्छा, अगर फीस हो जाता तो क्या होता? इमेजिन करो, कौन है, अगर फीस होता कौन है जो फिर भी कोर्स करता? 7 days कोर्स के पहले ये रजिस्ट्रेशन फी भरो, कौन है ऐसे जो फिर भी कोर्स करता? देखे तो सही, हाथ उठाए। नहीं, राजीव एडिटिंग कोर्स अच्छा करते, वो तो बाद में पता चला अच्छा ना कि है फीस ऐसे में, पहले थोड़ा ही पता था। करते लेते हैं, पहले करते ले लेते देखते थे। ऑनलाइन, पहले ले लेते। अच्छा, सब में ले लेते। अच्छा, तो अगर हम फीस रखते तो अच्छी फील होती है इन वे मतलब वैल्यू होती है इसकी। लेकिन दीदी अगर आप भी फीस लेंगी तो ऑनलाइन कंटिन्यू करेगा, आप अगर फीस इंपोज कर देंगी तो भी ऑनलाइन कंटिन्यू करेगा। ऑनलाइन कंटिन्यू करते? हाँ, नहीं कह रहा हूं, अगर अच्छा, अभी आप फीस इंपोज करेंगी तो भी आदमी ऑनलाइन कंटिन्यू करेगा। फीस रखेंगे तो करेंगे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द व्यू है हाँ, मेरे व्यू ऐसा है। अच्छा, भागते कि भाई अगर मैंने 1 महीने फीस भरी है तो पूरा 1 महीने करेंगे, जब बाबा को एक नया सिस्टम अगले संगम युग में करे बाबा। बाबा कहते हैं बाबा ने क्यों फीस नहीं रखी? हाँ, पूछते हैं, वैसे ही पूछते हैं, यहाँ आते ही पूछते हैं। तो ये भी है एक व्यू, ये भी है बाबा क्यों फीस नहीं रखता। चलो, इसके प्लस माइनस दोनों बातें हैं, नहीं रखने पर भी इतने कम है, फीस रखने पर क्या पता। दूसरा, बाबा हमेशा कहते हैं बाप अपने बच्चों से फीस लेता है, बच्चे बाप को हेल्प करते, वो अलग बात, इसलिए बाबा फीस नहीं लेते। हाँ, बाबा कहते हैं हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वह जिस्मानी पढ़ाई है तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप को गरीब निवास कहा जाता है, क्यों?
गरीबी पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं, यहां भी तुम इंश्योर करते हो। कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देना। ये तुम अभी जानते हो। हम डायरेक्ट अपने को बाबा कहते तुम इंश्योर करते हो, फीस नहीं देते हो। फीस लेने में क्या होता है, वही बात खत्म हो जाती है। इंश्योर कर रहे तो रिलेशनशिप लॉन्ग स्टैंडिंग, जब तक वो इंश्योरेंस है, और दूसरा बाइंडिंग है, भाई मैंने इंश्योरेंस दी है आपको, तुमको वो काम करना होगा। तो यहां तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना है। वैसे हम फीस भी देते हैं यहाँ, वो तो मालूम है ना सबको, किसको नहीं मालूम है फीस यहाँ का। नहीं, पैसे में फीस देते हैं यहाँ, किसने नहीं दिया, नहीं दिया किसी ने। ऑनलाइन वाले नहीं दे सकते यहाँ, सिर्फ ऑनलाइन दे रहे हैं। फीस यहाँ का है एक आना, वन आना, एक आना। अच्छा 5 पैसे भी है, एक आना, एक बार आना। तो ऑनलाइन वालों का क्या हो गया फिर, कोई फीस ही नहीं। ये देखो लेटेस्ट है सारे। तो फिजिकली भी पेटीएम कर देना फिर सारा। ये तुम अभी जानते हो, डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते। ये तो हमेशा कहते फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भले कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। देखो फाइनली देने वाला वो है, चाहे किसी के थ्रू भी दे। दान पुण्य आदि करते, कितने यज्ञ करते, दान करते, इसके इसके अर्थ इसके अर्थ, फिर फल भी कौन देगा फाइनली सबको, जितने भी ओवर वर्ल्ड में डोनेशंस हो रहे हैं, फल किसको देना है, बाबा को। बाबा इसको कैटेगरी करेंगे डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट, दो इंश्योरेंस है बाबा के पास। तो दान पुण्य यदि करते फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वरी है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं। कितने हैं डायरेक्ट इंश्योरेंस वाले, कितने हैं, अरे हाथ ही नहीं उठाते। डायरेक्ट इंश्योरेंस की कैटेगरी में कितने हैं, हाँ बहुत लोग हैं सभी। तो इस पढ़ाई में कोई खर्चा ही नहीं है, बाबा ने समझाया है। गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है, साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख मिलेगा, उनकी प्रोपोर्शन देखा जाएगा ना, बाबा देखेंगे कितना प्रोपोर्शन। और गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5,000 करे तो भी दोनों को इक्वल मिलता है, प्रोपोर्शन है भाई। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस ही आदि नहीं लगती। कितने बाबा के घर है, बाबा के बच्चे हैं, जो भी घर बनता है हमने देखा। क्या बाबा ऐसी आत्माएं होती है कि बस बाबा के 1 रुपया जमा कर करके बाबा के गीत लगानी, इतनी नहीं कैपेसिटी है, लेकिन बाबा की कमाल है ऐसे बच्चों की। तो बाबा कहते हैं दोनों का इक्वल, गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस ही नहीं लगती। इसमें ये भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता, अगर फीस होता तो जो नहीं कर सकते फिर वो वंचित रह जाते, तो ये भी एक कारण है। गरीब के लिए इसलिए सहज है, गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार है। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते तो उनका पद भी साहूकार से भी ऊंच होता। पढ़ाई कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता ही नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो ही नहीं सकता, सब कह देते बेअंत है,
समझते मनुष्य सृष्टि का बीच परमात्मा है, ये उल्टा झाड़ है। अच्छा फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर, यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेज फुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है, तो अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। तो देखो बाबा, फीस नहीं रखते तो पूरी कितना कोई पढ़ता है, कितना कोई उसका वैल्यू देता है, उसके ऊपर हो गया ना। फीस होता तो कुछ कोई करते कोई नहीं करते, अब कुछ है ही नहीं, सबके लिए एक जैसे। पढ़ो तो जित पूरा मदार पढ़ाई पर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई। हाँ, जो जो इंटरनल वैल्यूज है, जिसमें जिसकी कैपेसिटी सबके पास है, वो जरूरी है। एक बार नियमों पर चलना, सारा नियमों से कार्य करना, वो जरूरी है। बाकी फिर बाद में वो फीस नहीं। तो क्योंकि फीस नहीं है, नियम 100% लागू कर सकते। फीस होने से एक और बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक हो जाता है, जो ज्यादा देता उसके लिए रिलेशन होती है ना दुनिया में। यहाँ क्या रिलैक्सेशन है? प्योरिटी मधुबन जाना है, प्योरिटी मस्ट है। आप करो नहीं करो, कितना भी कुछ करो, जो जो इंटरनल नियम है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है, सब कह देते बेअंत है। समझते मनुष्य सृष्टि का बीच परमात्मा है, बरोबर यथार्थ तो बाप ही बतलाएंगे, जो नॉलेजफुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है, अभी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो मास्टर ज्ञान सागर हो, सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है, बढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है बेचारा परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवान उवाच है ना, जिससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है, पहले निश्चय चाहिए। इसलिए ये 1 साल क्यों रखा बाबा से मिलने का? देखो कितना हर नियम के पीछे राज है। 1 महीना है, बड़ा निश्चय है, आगे भाग रहा है। बताया ना उस दिन 1200 किलोमीटर चल के गया बाबा मिल लेना ऐसे को, गया 1 महीना ही हुआ ज्ञान मिले। बाबा अलाउ कर दे मधुबन? मनोज भाई बोलो भाई, लॉ वाले बताओ अलाउ करे नहीं? कितनी ड्यूरेबिलिटी है ज्ञान में, कि कुछ भी हो जाए फिर भी सस्टेन करते हैं बाबा। इसलिए कहते हैं बाबा समझ जाते, जब पहले निश्चय हो जाए तो फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्मों का बाप एक है ये तो समझते हैं, परंतु वो आकर इनमें आकर वर्षा दे रहे। अनिश्चय बैठना, कौन सा निश्चय चाहिए? भगवान है नहीं, भगवान आकर पढ़ा रहा है ये भी ठीक है, लेकिन कौन सा निश्चय चाहिए? यह निश्चय बैठना, जब यह बुद्धि में बैठकर लिखे, वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है। ये लिखे, ये लिख कर दे, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। ठीक है, बाबा कहते निश्चय पत्र पहले हुआ करता था। गीताबेन जी बताती है कि 7 दिन का कोर्स हुआ, थोड़ा मुरली सुनी, फिर उनसे निश्चय पत्र लिखाते थे। कि उस निश्चय है कि ब्रह्मा तन में भगवान आकर पढ़ा रहे हैं, ये लिखो, ऐसे लिखाते थे। आजकल तो फिर भाग जाएंगे ना। और ये थे ना मेजर, मैं सुन रही थी भी, मेजर भाई साउथ एक्स के बच्चे थे, मतलब साउथ एक्सटेंशन में, जब क्योंकि लोधी रोड में कोठी थी उनकी, बाबा का बच्चा। और तो बाबा को निमंत्रण दिया, बहुत निश्चय हो गया जय से मिला। तो बाबा को निमंत्रण था कि बाबा दिल्ली जनवरी
मास का टाइम, क्योंकि जनवरी फरवरी में बाबा मधुबन से निकलते थे या दिल्ली या बॉम्बे जाते थे। तो बाबा बाबा ने कहा कि बाबा को जब तक निश्चय पत्र नहीं दे तब तक बाबा नहीं आए। और बाप बच्चा बाबा को 108 बार निश्चय लिख दे तब बाबा आएंगे। बोला ठीक है लिखूंगा, मुझे बाबा को बुलाना है। लिखा एक एक पत्र निश्चय का। बाबा को निश्चय कौन सा चाहिए? वो वाला ब्रह्मा तन में पढ़ाते। और एक एक पत्र इतनी महीने, ऐसे 108। और बाबा के पास पूरे 108 आए। उसके बाद बाबा ने कहा अब बच्चे के पास बाबा जाएगा। तो बाबा थोड़ा डाइल्यूट हो जाते ना, 10-20 आ जाता काफी है। ठीक था बाबा का 108। बाबा की जो रिटर्न वाली स्टाइल है ना, इवन दादियों की, कितना उनको सितम सहन करना पड़ा। वो पेरेंट्स लिख के ही नहीं देते थे, बाबा ने क्लियरली बोल दिया। हालांकि पता है ये बच्चा बहुत निश्चय बुद्धि है, कितना है, और उसको बाबा ने कहा नहीं, घर वालों से लिखा कर लाओ, करना चाहिए या नहीं नियम? बोलो विनोद भाई, क्यों? बेचारा इतना निश्चय बुद्धि है, वो बोल रहा है बाबा मैं ही हूँ, घर वालों से क्यों निकाल लिखा के लाए? हाँ एग्जैक्टली, बाबा के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी यज्ञ के लिए, सबके लिखत पत्र थे। बाबा के यज्ञ में ये रिटर्न वाला जो है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन। हमको 1 मंथ लगा जो बाबा के, नहीं समर्पित की बात है, समर्पित जब ना था यज्ञ में पूरा उस समय, तो हमको सारा लिखत, खाली ऐसा नहीं कि ठीक है एग्रीमेंट साइन कर लिया, कितना मनोज भाई? 1 महीना लगा पूरा, A to Z, ये क्या लिखाना है, ये क्या करना है, नहीं सारा लिख के दो, सारा ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, इसमें सिग्नेचर करो, इसमें पता करो, यहां से डॉक्यूमेंट लेके आओ, बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन है हमारा। इवन भी हम कुछ भी करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी आदि, इजी, बाबा के यहाँ यहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते, तो बाबा के पास लिखत थी ये निश्चय, तो जब ये बुद्धि बैठे और लिख गए, हाँ 100 बार, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे ये तो बरोबर ठीक है, इतना समझ जो समझते आए रॉन्ग है, ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं, वो तो बेहद का बाप है। बरोबर, भारत को कल्प कल संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, ये सब निश्चय में ऐसे लिखते थे कि मुझे ये निश्चय है, बाबा ऐसे कर रहा है, जो जो मुरली में बाबा बता रहे हैं ना, वो लिखत में 108 बार क्या लिखे सागर, वो केवल वो, मुझे ये निश्चय है कि बाबा ऐसे कर रहे हैं, बाबा मुझे ये निश्चय कि सतयुगी स्वराज्य स्थापन हो रहा है, ये सब लिखा। तो संगम पर और इसी समय मिला था, अब फिर मिल रहा है, देखो क्या क्या लिखाना है, यह लिखाना है। क्या क्या लिखाना है, इतने समय जो समझता है वो रॉन्ग है। 1, पहले वो था कि ब्रह्मा तन में आके पढ़ाते, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो बेहद का बाप है। तीसरा, बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। फोर्थ, संगम पर और इसी समय मिला मिल रहा है, ये लिखाना। बरोबर संगम पर ही आते हैं, आकर बीके द्वारा स्वर की रचना रचते हैं, जब लिख कर उस पर समझा सकेंगे, तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं, बच्चों को समझाया है वो तो बिंदी है। यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में, वो छोटी सी चीज है, तो विचार करना है पाठधारी कौन है, इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती हमने 84 जन्म लिए, वो सारा पाठ 84 जन्म लिए, तो वह सारा पाठ
सीधी रूप में आत्मा में मर्ज, जो फिर इमर्ज होता है। क्यों आत्मा में मर्ज होता है फिर इमर्ज होता है, क्यों ये बात है? आत्मा अविनाशी है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल। जब अविनाशी है तो उसमें जो जो भरा हुआ है सब अविनाशी है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे, ये बात कोई तो कोई समझती नहीं है। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पाठ नोंदा हुआ है सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर, मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, ये हमारा पाठ नोंदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर न सके। ये सिमरन करना है कि हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूं, शरीर धारण करता हूं। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहे ये पूरा कि आत्मा में नोंदा हुआ है, हूबहू रिपीट होता है। ये सिमरन करना है, जब ये सिमरन चलता रहे तब कहे ये पूरा त्रिकालदर्शी है। मुझ आत्मा में जब जब जैसा जैसा पाठ है ना, उस अनुसार संकल्प चलता है। जब पाठ नहीं है तो संकल्प भी नहीं चलता, ये है ना। और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए, तो बच्चे अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। दुनिया अब नई दुनिया स्थापन होनी है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे ना, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे, इनका बाप भी जरूर होगा। कोई कहते हैं कि एक कंपनी एस्टेब्लिश की, तो अकेला ओनर थोड़ी कंपनी एस्टेब्लिश करता है, कितने सारे मददगार होते हैं ना, ये सब मिलकर वो कंपनी करते। ठीक है, नाम एक का होता है, तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची ऐसे हो सकता है क्या? अकेला ब्रह्मा रचेगा नई सृष्टि को? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मिलकर ये सृष्टि रची। हाँ ठीक है, नाम तो ऑब्वियसली एक ही का होगा ना। अच्छा है ना, कितना अच्छा पॉइंट है, मुझे ये नई पॉइंट लगी बाबा की। तो इनका अकेले ब्रह्मा तो नहीं करे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारिया चाहिए, इनका बाप जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इनको तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु अब कौन से शास्त्र दिखाते हैं वो पता है? आप सभी ने देखा होगा ना, कौन से शास्त्र है ब्रह्मा के हाथ में, कौन बताएगा? नहीं, फिजिकली भी जो दिखाते भक्ति में, वेद दिखाते, वेद 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 वेदांत। तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन सभी वेद शास्त्रों का सार समझा। बात ये थी कि इनका सार समझाते तो उन्होंने खाली वेद दिखा दी। चार, हाँ, मतलब ज्ञान ही है, चार टाइप के वेद है। ब्रह्मा शास्त्रों का सार सुनाते, वो कहाँ से सीखे? इनका कोई भी बाप व गुरु होगा नहीं। एक्चुअली ये जो चार वेद है ना, उसमें टोटल ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद आयुर्वेद चार है ना, अथर्ववेद, तो उनमें चारों में पूरे वर्ल्ड का एक ह्यूमन लाइफस्टाइल, एक लॉफुल कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पूरा बताया हुआ है। तो ये सब उसमें बताया, इसलिए एक टोटल ज्ञान ब्रह्मा में है इन अ वे, इसलिए बताया। परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा शास्त्रों का सार सुनाते हैं? यस और नो? नहीं, नहीं सुनाते। नो वह कहां नो से? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना,
होशियार बच्चे हैं, सबने अच्छा राइट आंसर। हाँ उनका कोई बाप होगा ना, उनसे कि उसने तो किसी से सीखा होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा, वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनका उनको क्रिएटर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही है, वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इनको ज्ञान, इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। ये सारा मदार धारणा पर है, इंश्योर करो ना करो ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस बाबा क्या है? बाबा का नाम, हाँ, इंश्योरेंस मैग्नेट है। मतलब क्या हुआ बोलो गुलाब भाई, लॉ का आंसर बताओ। इंश्योरेंस मैग्नेट किसे कहते हैं है वर्ल्ड में? इंश्योरेंस मैग्नेट अट्रैक्ट, इंश्योर को, इंश्योरेंस को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट है ना, बाबा में अट्रैक्ट करता है ना कि सफल करे हम। तो इंश्योर करो ना करो ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस मैग्नेट है। भक्ति मार्ग में भी है तो ज्ञान मार्ग में भी है। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती है कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांतिधाम या तो सुखधाम भेज देंगे। पुकारा है ना बच्चे ने, अब वो अगर उस लायक नहीं भी है लेकिन उसको सुख तो देना है ना, मतलब शांति तो देनी है, तो या तो सुखधाम का या शांति का वर्षा देंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए, इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे से मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। बच्चे स्वर कितना मीठा है, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं, कितनी लॉ ऑर्डरली हर कार्य चलेगा, कोई किसी को, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक बाय लॉ चलेगा। एनएडी, हाँ वो तो फिर बोलने के लिए तो वैसे ही है ना, हाईएस्ट है। अच्छा तो बाबा कहते हैं, कई बार बाबा मुरली में ये भी कहते हैं, अट्रैक्ट करने वाला वैसे भी हो सकता। तो इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। अच्छा कोई भी मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था अब स्वर्ग में गया। जाता ही नहीं है तो भी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए, जरूर हेल में था ना, ये हेल है फिर उनको यहाँ मंगाने की, स्वर्गवासी हुआ तो अभी हेल में था, तो जब यह हेल है फिर उनको यहां मंगाने की खिलाने की क्यों कोशिश करते? स्वर्ग का खाना खाए ना, पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना यह है पितरों को बुलाना। तो बाबा श्राद्ध चल रहे ना, तो आत्मा को बुला रहे, तुम सभी, तुम फिर सभी पितरों के, हम बुलाते हैं पितरों को, भोग लगाएंगे ना कल, तो क्या करेंगे संकल्प, उनको बोलना है, उन आत्माओं को यहां बुलाना करना। बाबा कहते हैं तुम सभी पितरों के बाप को बुलाते हो, तो वो सब पितरों को ऑटोमेटिक खिला देता है, सबको संतुष्ट कर देता है। खिलाना मतलब क्या, याद किया ये फील कराना होता है। सभी आत्माओं को बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो शिव शक्ति, शिव तो निराकार है बैठे अभी, तो बाबा कहते हैं मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो, तुम्हारा है योग बल, योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है, आत्मा में जौहर आता है। अच्छा तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है, यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है, आत्मा को समझ है। मतलब मम्मा में जो ज्ञान की तलवार थी वो बहुत पावरफुल थी, आत्मा को समझ है मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है,
हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। अच्छा कोई कहते मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकता हूँ, शंख ध्वनि बोलो दीपक भाई। हाँ शंख बजाना, अच्छा बोलो शंख ध्वनि। तुम दूसरों को बताना। हाँ शंख मतलब ज्ञान, ज्ञान की शंख ध्वनि करना। एक्चुअली शंख की ध्वनि नंबर वन मानी जाती है ना, बहुत सेक्रेड सेक्रेड मानी जाती है, इसलिए वो कहीं भी जैसे कोई भी देवी देवताओं को वो बहुत ऐसे उनके जो पार्षद होते हैं ना, जैसे विष्णु जी बैठे हैं लेकिन वो जो बोलने वाला जो होता है ना वो उनके पार्षद जैसे वो बोलते हैं, वैसे बताते हैं चित्रों में। तो हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकता हूँ, बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है, मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना, बेहद के बाप को याद करो यह भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है बाप को याद करना कि बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। किसी भी वैसे कोई बात किसी की याद आती है, कोई कोई एक्शन किसी की याद आता है, किसी ने कुछ बोला हुआ है तो याद आता है, इस सबको याद की कैटेगरी में माना जाता है ना। तो बाप को याद करना तो अंदर में समझना वो बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, भगवान उवाच मन मना भव, तो जरूर वह निराकार होगा ना। अच्छा साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो, निराकार ही कहते हैं आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप। और बहुत बड़ा बेनिफिट है, बाबा निराकार है इसलिए याद रखना वैसे इजी भी है और वैसे कोई धोखा भी नहीं है। कई बार मैं हम जब भक्ति करते थे हम सोचते थे कि मतलब अगर जैसे एक फिगर को मानते हैं, एक इष्ट हमारा है, अब दूसरा कोई बहुत अच्छा भी फिगर हो तो ऐसे लगता है कि हम धोखा दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक को अपना सब कुछ मान लिया। भक्ति करते भी बाबा को याद करते थे ना निराकार, मैंने हम सोचते थे हाँ ये तो न्यूट्रल है ना निराकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इतना पूरा प्यार नहीं भी है क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ सबकी बनती है, तो निराकार मतलब ही न्यूट्रल। तो अगर कोई नहीं भी मानता है भगवान को तो भी इस तरह से माने, नहीं तो सोचते ना क्यों हम उसके मठ मठ को पंथ को क्यों माने, हमारा मठ पंथ है। क्योंकि जब कोई साकार होता है तो ऑलवेज वो एक कंपैरिजन और डिफरेंस फील होता है, बाबा इसलिए कहते हैं। तो साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो, निराकार ही कहते हैं आत्मा मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। अच्छा मुझे याद करेंगे तो अंत मते सुगति हो जाएगी, तुम आत्मा ही शरीर द्वारा कहती हो ना कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो, बाप भी आत्माओं को कहते मन मना भव, तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देह अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आज ये वाली प्रैक्टिस, क्या शुरू में जो काम मैं आत्मा याद आया इस शरीर को चलाने वाली हूं, याद कर सकते हैं मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं, मैं आत्मा। अच्छी बार ये स्टेटमेंट रिपीट करेंगे, ऐसा होमवर्क लेंगे आज। अब मुझे वापस बाप के पास जाना है तो बाप कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, जो अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है, गीत भी है ना, कौन सा गीत है पुराना, वैसे आपको आप लोगों को शायद नहीं भी पता है, पुराने हैं उनको पता है, मीठे के ऊपर गीत है। कितना प्यारा कितना भोला शिव प्यारा भजन। हाँ बहुत बहुत पुराना गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा, भाई बजाना आज शिव भोला भगवान, बहुत पुराना है, बहुत ही लंबा, मैं समझती हूँ 12-13 मिनट का गीत है ये, इतना इतना लंबा कोई है ही नहीं। और ये भोग के समय हम
याद है 80s में भोग के समय ये गीत बजाते थे, याद है ना गुलाब भाई? भोग के समय बहुत लंबा गीत था उस समय, ये नहीं गीत था जो हम उड़ के चले जाए, तब तक ये आया नहीं था। तुम भी उनके बच्चे भोले हो, फर्स्ट क्लास रास्ता रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनाओ बनोगे, और कोई ऐसा सौदा दे न सके तो बाप को बहुत याद करना चाहिए, जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते। पतित पावनाओ, आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी तो पतित बना है, आत्मा और शरीर दोनों ही पतित बने हैं। शरीर पतित बना अर्थात जब आत्मा भ्रष्टाचार से पैदा होती है उसको बाबा कहते हैं शरीर भी पतित, इसलिए यहाँ आत्मा अगर पवित्र हो भी जाए फिर भी शरीर तो पतित है ना, और सत्युग में श्रेष्ठाचारी दुनिया, इसको बाबा कहते हैं आत्मा भी प्योर शरीर भी प्योर। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है पतित बनी नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परम पिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती है, बाकी तो सब में खाद पड़नी है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। ये सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए, क्योंकि बाबा फ्लक्चुएशंस में नहीं आते हैं, तो जैसा है वैसा ऑलवेज रह सकता, इसलिए वो ऑलवेज सदा है और सुप्रीम है। सदा की क्वालिटी इसलिए है क्योंकि ऑलवेज वैसा आता ही नहीं है, सतो रजो तमो। ये सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए, ऐसे नहीं कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती है किसी का, इसके साथ है ना मेरा बहुत अच्छा बनता है, इसके साथ मेरा नहीं बनता है, मतलब हाँ बेशक वो तो हर कोई को कोई बात हम सीक्रेट है कुछ ऐसी बातें सबको तो नहीं बताएंगे, पर ये नहीं कि नहीं ये अच्छा है ये कोई। हाँ योगी का पहला क्या है, समदृष्टि इम्पार्शियल, और बच्चे का भी हमने देखा ना उस दिन बताया भी था कि कितना वो जैसे कोई बात चित्त पे रखता ही नहीं है, जो चित्त पर नहीं रखता है ना वो फ्री भी रहता है, कोई बात चित्त पर रखने से दुश्मनी होती है। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस, देह अभिमान में बैठ आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है, बैठ गए ऑर्डर करे बाबा कहते हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी लिए। बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बाप की दादा को याद रूहानी रखते हैं, गुड बाबा मॉर्निंग और दादा गुड नमस्ते। मॉर्निंग शुक्रिया नमस्ते बाबा, नमस्ते थैंक यू बाबा बाबा शुक्रिया बाबा 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 शुक्रिया शुक्रिया बाबा 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 बाबा। बाबा थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है ज्ञान का सिमरण कर, त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन, उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। अंधों की लाठी बन, उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरा है 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। और साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करना है। वरदान है अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे,
सदा निश्चिंत रहने वाले, सफलता संपन्न, सेवाधारी भव, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे। सदा निश्चिंत रहने वाले, सफलता संपन्न, सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, अर्थात उन्नति को पाते रहते हैं। इसलिए इस सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फूर्ण रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो। हम सोचते परिस्थिति बोझ है, परिस्थिति का जड़ जो है ना, मैं, मेरी ये जिम्मेवारी है, मेरा है, तो मैंपन का बोझ ना हो। सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो जहां बाप है वहां सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करावन हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी रहेंगे। करावन हार तो हल्के भी और सफलता संपन्न भी। तो कैसे करना है? स्कूल से निकलते ही बैग, बैग क्या करना है, बाबा को दे देना है, पेरेंट्स को बैग दो। इसलिए वो बच्चा भागता है, इसलिए पेरेंट रोक ही नहीं सकता उस बच्चे को, क्योंकि उसको बैग दिया नहीं ना, तो वो आत्मा उड़ती है, भागती है। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को जानकर सदा निश्चिंत रहना है। अविक्त इशारे, जैसे यादगार के यज्ञ में आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं, यहां भी सदा मन मनाभव मंत्र स्मृति में रहे तब आहुति सफल हो। तो मंत्र स्वरूप में स्थित होने वाले बनो। सिर्फ मंत्र बोलने वाले नहीं, कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह सफल तब होता है जब संपूर्ण आहुति डाली जाती है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। तो जो कुछ भी आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है, और फिर संपूर्ण लेना है। पूरा सफल करो, सफलता पर चल रही है ना। तो जो भी यज्ञ में पूरा कंप्लीट, वो लास्ट में बचा कुचा भी डाल देते हैं ना, इधर उधर जो भी कुछ बचा है, तो अंदर कोई भी बचा कुचा तन मन धन अगर की डाला नहीं तो वो सफल नहीं, मेरे लिए वो यज्ञ सफल नहीं। और आहुति की कमी ना रहो। तो फिर सिर्फ संकल्प में नहीं रखना है कि बाबा ऐसा है, बाबा बाबा है ही, वो कर्म में आए तो है संपूर्ण आहुति। अच्छा जी।